अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट फाइव। आपके साथ मैं हूं मदीना मसूद। नाजरीन, राजस्व के मोन्टाज देकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम बात जिक्र करने जा रहे हैं बहावल नगर डीएचक्यू अस्पताल का। 22 लाख आबादी वाला ये शहर है जहां पर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है और यहां पर सितम जरीफी ये है कि ताजुनाती भी सिर्फ एक डॉक्टर की गई है और यहाँ पर कई आसामियां इंपॉर्टेंट ऐसी है जो अब तक खाली पड़ी हैं और वहां पर डॉक्टर अब तक अपॉइंट नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि ढूंढने से भी डॉक्टर यहां अस्पताल में दिखाई नहीं देता है। एक्चुअल सूरत हाल क्या है और यहां के लोग और मरीज जो है वो मुतालबा कर रहे हैं वजीर सेहत से भी इस मामले का नोटिस लेने का, और वजीर आला पंजाब से भी मुतालबा उन्होंने किया है। तो आइए हम बढ़ते अपने गेस्ट की जानेब, और हमारे साथ मौजूद हैं MS DHQ बहावल अख्तर तारिक साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आप बताएगा कि असल मसाइल क्या हैं इस अस्पताल के? बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 535 बेड्स पर मुश्तमिल है, जो कि पंजाब का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है शेखपुरा के पास। लेकिन हमारे ह्यूमन रिसोर्स की इंतहाई शार्टेज है। एमओज की 100 पोस्ट है और जिसमें से सिर्फ 12 काम कर रहे हैं और 12 में से भी 5 ट्रेनिंग पर हैं। इस तरह WMO 28 हैं और 14 EOL पर हैं। कंसल्टेंट्स की तादाद 54 है जिनमें से सिर्फ 22 काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सरदर्दी ये है कि हमारे पास एनेस्थेटिस्ट की एक भी पोस्ट मतलब फिल नहीं है। 8 पोस्ट हैं, 8 की 8 खाली पड़ी है। और इसके लिए हमें परेशानी होती है जब 2 बजे के बाद कोई भी इमरजेंसी आती है किस किस्म का, तो हमें रेफर करना पड़ता है बहावलपुर। हमारे पास एक एनेस्थेटिस्ट वो भी जनरल ड्यूटी पे है जो कि 5 दिन आता है। और इसी तरह आप बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज है वो खाली पड़ी हैं, तो हुकामे बाला तक पहुंचाया गया ये मसला, उनके नोटिस में लाई गई ये बात? जी जी, उनके नोटिस में है बिल्कुल। इस तरह पीडियाट्रिशियन की 5 पोस्ट है, सिर्फ एक फील्ड है, 4 खाली पड़ी है। और बच्चों के बहुत ही ज्यादा बच्चे ज्यादा आते हैं, लेकिन कंसल्टेंट एक है और वो भी आजकल उम्र पे गए हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं ना कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी यहाँ पर नहीं है, असामियां उनकी खाली पड़ी हैं, तो इसका मतलब है DHU में फिर कोई ऑपरेशन नहीं होता? अगर कोई ऑपरेशन होता है तो फिर आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? मैडम, ऑपरेशन होते हैं। हमारे पास एक एनेस्थेटिस्ट है जो कि मिंत्रा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंत्राबाद पोस्टेड है, यहाँ पे जनरल ड्यूटी पे है, एक बंदा है सिर्फ। वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ऑपरेशन करवाता है, 2 बजे के बाद फिर कोई ऑपरेशन नहीं होता। और अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो जाए, इमरजेंसी की सूरत में हमें तो फिर हमें रेफर करना पड़ता है बहावलपुर। मतलब एक बंदा सारा दिन तो नहीं काम कर सकता 24 घंटे, उसको बहुत ज्यादा गंभीर है। हुकामे बाला तक तो आपने बताया कि ये गुजारिशात मुतालिबात आगे पहुंचाए गए, उनके नोटिस में अभी हमारे कुछ अभी मैडम कुछ हमारे डॉक्टर ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, वो अगले माह वापस आ रहे हैं, 2-4 एनेस्थीसिया वाले आ जाएंगे, उम्मीद है फिर काम चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पर हेल्थ मिनिस्टर को इस अहम इशू का नोटिस लेना हो ताकि मरीज जो है वो ख्वारिश से बच सकें। अब बढ़ेंगे हम कराची शहर के बड़े मसाइल की जानेब, और आजकल कराची के शहरी फेस कर रहे हैं पार्किंग माफिया को। नाजरीन, आप जानते हैं कराची शहर जितना बड़ा है वहाँ के मसाइल भी उतने ही ज्यादा हैं। कभी कराची के बासी जो हैं वो अपानी के बहरान का सामना करते हैं, कभी गैस बहरान का सामना करते हैं, तो आजकल एक बड़ा मसला सर उठा रहा है तो वो है इलीगल पार्किंग माफिया। शहरियों का यही मुतालबा है कि इस माफिया से उनकी जान छुड़ाई जाए, क्योंकि उनका यही कहना है कि 200 गुना से ज्यादा रकम उनसे पार्किंग फीस के नाम पर वसूल की जाती है। जो सरकारी पार्किंग स्टैंड है वहां पर 20 रुपए फीस बताई जाती है लेकिन वसूल की जाती है 20 से 30 रुपए, और जो इलीगल पार्किंग है वहां पर 30 से 50 रुपीज वसूल किए जाते हैं। हमारे साथ डिप्टी मेयर अरशद बोरा साहब मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा, दावे किए जाते थे कि KMC से जितने भी करप्शन है उसको खत्म किया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 साल में भी अब तक कोई करप्शन खत्म नहीं हो सकी और जो बहरान है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? कितने लोग हैं जिनको नोटिफाई किया गया अब तक? देखें, अभी जो आपने हाईलाइट किया ये पार्किंग का इशू, पार्किंग मेरे ख्याल से इस शहर का जो है बहुत बड़ा एक स्कैम है, और पार्किंग के नाम पर ये जितनी भी रसीदें काटी जाती हैं और ये जितनी भी जो है चाहे वो KMC के नाम से हो चाहे DMC के नाम से हो, अगर आप उन रसीदों की कैलकुलेशन करें तो जो ये अमाउंट बनता है बिलियंस ऑफ रुपीज में बनता है।
इसका शायद जो है 1% जमा होता है, 1% जो है महकमे को मिलता है, बाकी सारा जो है ये 2 नंबर है। कोई भी इसमें रसीदें ओरिजिनल नहीं होती, कोई ये स्टाफ KMC का नहीं होता, ये प्राइवेट लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और फिर कंफ्यूजन ये हो गया है कि DMC अलग अपना कर रही है, KMC अपना अलग कर रही है, पार्किंग के महकमे को इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। आपका SLGO 2013 में जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है उसमें जो है वो DMC भी उस पर कर सकती है और जो है KMC भी कर सकती है। तो ये जो है KMC ने भी जिस तरीके से और DMC ने भी जिस तरीके से ठेके दिए हैं वो उन कीमतों पे दिए हैं जिसपे के शर्म आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंने भी आपको बताया ना कि एक्चुअल अगर आप ईमानदारी से पार्किंग की ये फीस जमा की जाए तो ये अरबों रुपए में बनती है। और इसकी इसी फीस से फिर प्रॉपर जिस तरीके से आजकल पूरी दुनिया में एक मॉडर्न किस्म के छोटे आप जिसको कहना चाहिए कि 700 गज पे 100 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, ये चाइना से बने बनाए पार्किंग प्लाजाज मिलते हैं जिसको आप लिफ्ट से गाड़ी जाए और पार्क हो जाए, ये प्लान भी किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली KMC में इसको माना नहीं। जो भी KMC में इस वक्त क्रैकडाउन कैसे किया जा रहा है, जो इस किस्म के जाली ठेकेदार हैं फिर KMC की जाली रसीदें तक ये बना लेते हैं जो एक फिक्स अमाउंट बताई गई है 20 रुपए, उससे ज्यादा 30 भी वसूल हो जाते हैं, 50 भी, तो इसकी कोई खास सलूशन सोच रहे हैं? इसका सलूशन देखें, इसका सलूशन ऊपर से ही होगा। जो पार्किंग के डायरेक्टर्स हैं, जो के टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो इस पे सिंसियर नहीं है और टॉप मैनेजमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। खास तौर पर पार्किंग के, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अगर आप पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो वो 1 करोड़, 1.25 करोड़, 2.25 करोड़, इसमें पूरे साल का ठेका दिया जाता है। पार्किंग के इशू पे अगर आपको याद हो 2 साल पहले तो पार्किंग की नीलामी पे झगड़े भी हुए और कॉन्फ्रेंस रूम में मारपिटाई भी हुई है। तो ये सारा ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसको सही किया जा सकता है। ये सारा अगर देखें, जो भी इस वक्त सीनियर लोग हैं, जो भी इस वक्त इस महकमे को रन कर रहे हैं, वो लोग अगर सिंसियरिटी से चाहें तो ये चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। KMC की इनकम बढ़ सकती है, पार्किंग को प्रॉपर तरीके से राइज किया जा सकता है। अभी आप देखें यहाँ पर जो है ना बास चीजों की अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको फॉलो नहीं किया जाता। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं कि शारा फैसल पर अभी एक येलो लाइन बना के जो है मोटरसाइकिल के लिए फिक्स कर दी गई थी कि ये मोटरसाइकिल लेन होगी, लेकिन हमारी बदकिस्मत ये कि उसको जो है ना आवाम की तरफ से उसको फॉलो किया जा रहा है और ना ही जो है महकमा, जो भी कंसर्न महकमा है वो उसको इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब हुआ है अभी तक, जबकि ये होना चाहिए। यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जहां पर हम नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ होता है वहां पर आप देखें कि पार्किंग होती है। तो ये हमें मोटरसाइकिल यहाँ पे कराची में मोटरसाइकिल की पार्किंग जो है ये भी एक अजाब बना हुआ है। बहुत सारे वेन्यूज ऐसे हैं जहाँ पे के प्रॉपर पार्किंग डेवलप की जा सकती है और खास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ये नए बिल्डिंग्स बन रही हैं इसमें कानूनी तौर पर जितने भी अपार्टमेंट्स बन रहे हों या जितनी भी शॉप्स बन रही हों उस बिल्डिंग के अंदर अगर पार्किंग नहीं है तो उसके नक्शे अप्रूव होने नहीं चाहिए। अच्छा होता क्या है कि ये लॉ मौजूद जरूर है, इस पे भी फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो इसमें भी फिर दोनों चाहे वो सरकारी इदारा हो चाहे वो फिर कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हो, ये दोनों इसमें जिम्मेदार हैं कि वो उस पर 100% इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। तो पार्किंग कराची शहर के लिए बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है और ये नहीं पता चलता कि कौन सच है कौन झूठ है और ये पार्किंग का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद बोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पर महक हरकत में आना होगा क्योंकि पार्किंग आवाम के लिए एक अजाब बनता जा रहा है। अब हम जिक्र करेंगे चिन्नौर जिले का जहां पर कायम 15 में से 13 के पास सरकारी इमारत ही पुलिस स्टेशन की मौजूद नहीं है। पुलिस यूनियन काउंसिल ऑफिस, स्कूल या फिर किराए का घर लेकर अपने इंतजाम को निभा रही है, कोई सरकारी यहाँ पर इनको प्लॉट नहीं दिया गया है। प्रॉपर पुलिस स्टेशन ना होने की वजह से पुलिस अफसरान ये भी शिकायत करते दिखाई देते हैं कि रात भर उन्हें जागना पड़ता है क्योंकि प्रॉपर लॉकअप नहीं है और कैदियों की उन्हें रखवाली भी करनी पड़ती है। इसी पर हम बात करेंगे DPO चिन्नौर मोहम्मद अनवर खेतरा हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा मौजूदा हुक्मरानों को कोई रिक्वेस्ट की गई है कि प्रॉपर यहां पर बिल्डिंग मिल सके पुलिस को? जी बहुत शुक्रिया। जैसा आपने जिक्र किया कि चिन्नौर पुलिस 10 साल पहले तकरीबन ये डिस्ट्रिक्ट वजूद में आया, इससे पहले ये तहसील थी झंग की, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटीज हैं वो अब भी वो तहसील लेवल की हैं।
لاسٹ 10 ایئرز میں تھوڑی بہت کوشش کی گئی اس جانب کے پولیس کو ماڈرن کیا جائے اور اسے مزید بلڈنگز دی جائیں اور اس کی فیسلٹیز میں اضافہ کیا جائے، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی خاص پیش رفت نہیں، نہ ہی اس ڈسٹرکٹ میں پولیس لائن ہے، نہ یہاں پہ جیل ہے، اور آپ نے خود دیکھا ہوگا جس طرح آپ کے نمائندے نے آپ سے ذکر کیا کہ یہاں ہمارے پاس 15 پولیس پوسٹ ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، جن میں سے صرف 2 ہماری ملکیت ہیں اور باقی پولیس نے عارضی طور پہ مختلف ابینڈنڈ سرکاری بلڈنگز تھیں ان میں قائم کی ہیں، ایک کسی ایک 2 ہم نے پرائیویٹ لوگوں سے لی ہیں، ایک ہم نے مل سے ایکوائر کی ہے، لیکن وہ آفیشلی چونکہ ڈیزائن نہیں کہیں گے پولیس کے لیے اور ان کا رقبہ بھی بہت چھوٹا ہے، وہاں پہ پراپر لاک اپس نہیں ہیں، تو پولیس کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے، کوئی بھی شخص جو وہاں پہ اریسٹ کیا جاتا ہے اسے وہاں سے تھانے شفٹ کرنا پڑتا ہے، اگین اگر اس کے لوگ ملنے آ رہے ہیں تو انہیں بھی دوبارہ ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ تھانے کی طرف جائیں، تو پولیس کو کافی مسائل درپیش ہیں ان چوکیوں کے سلسلے میں۔ بالکل، آپ نے بتایا مسائل کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو حکام بالا تک آواز پہنچائی گئی آپ کی جانب سے کہ ظاہر سی بات ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ملزمان کو لاک اپ میں رکھنے کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہے؟ جی، ریسنٹلی اس سلسلے میں کافی ڈسکشنز ہوئی ہماری آئی جی آفس میں، اور نیکسٹ پی ایس ڈی پی جو ہم تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ منتھ تک ہم باقاعدہ انجینئر سے ہم نے رابطہ کیا ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے رابطے میں ہیں، ہم پراپر پروپوزلز بنا رہے ہیں تاکہ ہم ان تمام جگہوں پہ لوگوں سے زمین ایکوائر کر لیں، اور کافی لوگ ہیں جو والنٹیئر کرنے کو تیار ہیں، اور گورنمنٹ کو ہم پروپوزل بھجوا رہے ہیں کہ ہمارے لیے نئی بلڈنگز تعمیر کی جائیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ تک ہم اس میں پراپر پروپوزلز بھجوائیں گے، اور ہمارے انسپکٹر جنرل پولیس ان کی اسپیشل ہدایت ہیں کہ سب سے پہلے پولیس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے، انہیں فیسلٹیز دی جائیں تاکہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں، اس صورتحال میں جب پولیس کے جوانوں کے لیے نہ پراپر سونے کی جگہ ہے، نہ وہ قیدیوں کو پراپر طریقے سے رکھ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس انویسٹیگیشن رومز ہیں، تو جب تک یہ پراپر فیسلٹیز ہم قائم نہیں کریں گے تب تک میرا نہیں خیال کہ ہم پولیس کی پرفارمنس کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد انور صاحب ہمارے موجود تھے، اور یقیناً حکومت کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ کرائے کی مد میں حکومت کو ہی ایونچولی بوجھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ اب ہم ہائی لائٹ کریں گے خبر فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی، جہاں پر اطلاعات ہیں کہ 1 ارب سے زائد جو ادویات ہیں وہ زائد المیعاد ہو گئی ہیں، ایکسپائر ہو گئی اور وہ مریضوں کے کسی کام نہیں آ سکی ہیں۔ ایک بڑا اسکینڈل ہے جس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ آخر وجوہات کیا ہے کہ اتنی بڑی رقم کی ادویات کو ضائع کر دیا گیا اور مریضوں کے لیے استعمال میں نہیں لایا گیا، اس کی چھان بین بھی ہو رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس خبر کو آخر چھپایا بھی کیوں گیا ہے۔ ستم طریفی یہی ہے کہ فیصل آباد میں سینکڑوں مریض یہاں پر اسپتال میں علاج کے لیے رخ کرتے ہیں لیکن انہیں مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جاتا ہے، اور فارماسیوٹیکل کمپنیز سے لائی گئی یہ ادویات پڑی پڑی سڑ گئیں، ایکسپائر ہو گئیں لیکن مریضوں کے کسی طور پر بھی کام نہیں آ سکی ہیں۔ کیسر وحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، چیئرمین فارماسیوٹیکل کمیٹی ہیں۔ کیسر شکریہ آپ کے وقت کا، فرمائی گئی جو خبر ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ 1 ارب سے زائد کی جو ادویات ہیں وہ پڑی پڑی ایکسپائر ہو گئی، مریضوں کے کسی طور بھی کام نہیں آ سکی اور اس خبر کو چھپایا بھی گیا، کیا حقائق ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایکسپائر میڈیسن کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، اور اس سلسلے میں 2005 میں جو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے 2005 میں ایک ہدایت نامہ جاری کیا، بلکہ آرڈر ہی تھا وہ، کہ جتنی بھی ایکسپائر میڈیسن ہو چاہے وہ دکانداروں کے پاس ہوں یا ہسپتالوں میں پاس ہوں، وہ ود ان 3 منتھ ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے متعلقہ جو دوا ساز ادارے ہیں یا امپورٹر ہیں ان کو واپس کی جائے، اس کے بدلے ان کی ریپلیسمنٹ لی جائے۔ یہ سپریم کورٹ کے اسٹینڈنگ آرڈر ہیں اور یہ ان پلیس ہیں، اس میں کوئی تبدیلی اب تک نہیں ہوئی، نہ کوئی امینڈمنٹ آئی ہے یا کوئی اور ہے۔ نارملی فارماسیوٹیکل کمپنیاں اس کو فالو اپ کرتی ہیں، تمام ادویہ ساز ادارے اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں کہ کہیں ان کے جو نمائندے گان ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ادویات ایکسپائر ہونے والی ہیں تو خود اپنے مفاد میں ان ادویات کو تبدیل کرا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ ایک متعلقہ ایک ادارہ ہے اور سرکاری ادارہ ہے اور سرکار کے دیر نگاری ہے، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک کوتاہی یا نگلیجنس، آپ جس کو کہتے ہیں کہ نگلیجنس ہوئی ہے، جو بھی متعلقہ اسٹور کیپر ہیں، اس کے جو فارماسسٹ ہیں یا جو بھی ہیں، ان سے ایک کوتاہی ہوئی ہے اور یہ ایک قومی نقصان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی اگر وہ متعلقہ ادارے متعلقہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کریں تو یہ مسئلے کا حل ہوگا اور قوم کا جو
पैसा है बर्बाद होने से बच जाएगा। लेकिन कैसे और जो मरीजों को मतलब अगर एलिगेशन बिल्कुल सही है, कहा यही जा रहा था कि खुर्द-बुर्द की गई है, करप्शन की गई है और जो मुतालिका महकमा है वो साथ मिला हुआ है और इसी वजह से दवाइयां जो है वो एक्सपायर हो गई और इतनी बड़ी रकम का ज़िया हुआ। देखें, इसका एक पहलू तो ये होगा, दूसरा पहलू इसका ये है कि खुदा ना खास्ता कि मरीजों को अगर वो दवाइयाँ दे दी गई तो उसका जो एक नुकसान होगा मरीज के लिए, एक पेशेंट के लिए, खुदा ना खास्ता कोई और साइड इफ़ेक्ट आ गए उस मुतालिका ज़ायदुल मियाद दवा से, तो ये इसकी ज़िम्मेदारी। और हमने माजी में देखा कि अगर मुतालिका इदारा तवज्जो नहीं देता तो ऐसा कोई वारदात PIC जैसा वाक़या दोबारा ना हो जाए। तो इस सिलसिले में मेरे तो ख्याल में एक तो इसके फाइनेंशियल इम्पेक्ट है कि कौम का पैसा है, दूसरा इसका इंसानी मसला है कि मरीजों को गलत दवाएं ना चली जाएं ज़ायदुल मियाद है, वरना बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। कैसर साहब, फिर आखिर फ़ायदा हुआ किसका है? गरीब मरीज अस्पतालों में आते हैं और हमारी खबर के मुताबिक 40 से 50 हज़ार के भी इंजेक्शन्स थे जो पड़े पड़े एक्सपायर हो गए, तो मरीजों के काम आ जाते हैं, आखिर फिर फ़ायदा किसका हुआ? देखिए, ये तो मुतालिका इदारे अब तो इस सिलसिले में बड़े वाज़े हदायात हैं कि हर जो इदारे हैं उनमें फार्मासिस्ट हज़रात जो कि बड़े काबिल लोग होते हैं, 5 साल फॉर्म डी करते हैं, उनको अपॉइंट किया गया है और 50 मरीजों के ऊपर एक फार्मासिस्ट की हिदायत है पूरे पाकिस्तान में। तो ये स्टोर कीपर भी फार्मासिस्ट होते हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि ये मसला पैदा कहाँ से हुआ, कितने अरसे से वो एक्सपायर दवाइयाँ हैं और वो एक्सपायर दवाइयों का क्या मुतालिका कंपनी को या इम्पोर्टर को जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से वो ली है या जो भी सप्लायर था, इंस्टीट्यूशनल सप्लायर नॉर्मली अद्वियात करते हैं कंपनियों के ब्याप पे, उनको क्या इतला दी गई या नहीं दी गई, क्योंकि इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मैं समझता हूँ। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस अद्वियात को फौरन सील कर देना चाहिए और ताकि ये किसी ना किसी गलती की वजह से, किसी की भी गलती या लाइलमी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से किसी मरीज को ना इस्तेमाल हो जाए और जिसका इंसानी जान के को नुकसान पहुंचने का इस्तेमाल है। मैं ये समझता हूँ इससे पहले वो तमाम दवाइयाँ जितनी भी एक्सपायर्ड हो गई हैं या जहाँ भी किसी भी अस्पताल में या किसी भी जगह वो तमाम अद्वियात को फौरन सील कर देना चाहिए और मुतालिका कंपनियों को इतला देनी चाहिए ताकि उनकी रिप्लेसमेंट हो सके। ये सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर है और इसको फौरन अमल करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्योंकि एक ख़ास इदारे की बात है और ये दिल के अमराज का इदारा है और दवाइयाँ भी दिल के अमराज के मुतालिक होंगी और यही वाकया इसी तरह का आज से कुछ अरसा पहले लाहौर में PIC में हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए और फौरन इन अद्वियात को सील करना चाहिए प्रॉपर लॉक एंड की में और मुतालिका इदारे से इसकी रिप्लेसमेंट। बिल्कुल, माजी से सबक सीखना चाहिए और फौरी तौर पर इन अद्वियात को सील करना चाहिए ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया कैसर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब बढ़ेंगे सांगड़ के साफ पानी के मसले की जानिब। तो नाजरीन, 3 लाख आबादी वाला शहर है सांगड़ और यहाँ पर 2.5 करोड़ की ग्रांट हर महीने महकमा बल्दिया को पहुँचाई जाती है, लेकिन फिर भी सितम ज़रीफ़ी और जुल्म ये है कि यहाँ पर 3 लाख आबादी गंदा पानी पीने पर मजबूर है। यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए तालाब का सिस्टम मौजूद है और लेकिन इतलात ये है कि पिछले 10 से 15 साल हो गए कि इन तालाबों की सफाई भी नहीं हो सकी है। मनाजिर में भी आप देख सकते होंगे कि किस कदर मट्टी और काई जम चुकी है इन तालाबों में और यहाँ की जो 3 लाख आबादी है वो यही गंदा पानी पीने पर मजबूर है, जिसकी वजह से ये गंदा पानी पीने की वजह से पेट के अमराज भी फैल रहे हैं और यहाँ के जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं। जबकि महकमे जो बने हुए हैं वहाँ पर ग्रांट आ रही है, पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आवाम जो है हम देखते हैं कि उनको किसी तौर भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन बल्दिया सांगड़ आसिम रसूल साहब। आसिम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि जो इलाके के मसाइल हम हाईलाइट कर रहे हैं इनको दूर करने के लिए आपके एंड से क्या इकदाम हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बता दूं कि जो भी पानी वगैरह आ रहा है उसको तो फिल्टर किया जाता है, बट हमारे यहाँ वो फिल्टर है नहीं है, तो उसके अंदर फिर यही है कि हम डायरेक्ट पानी जो है ना वो लेते हैं, फिर उसको डिस्पैच कर देते हैं, मतलब कि कंज्यूमर तक जाता है। तो ये इसी तरह की कहानी चल रही है। अच्छा आसिम साहब, ये भी इतलात हैं कि जो आपके चेयरमैन हैं वो अरेस्टेड हैं किसी कत्ल के केस में और फिर अब जिम्मेदारियां आप पर हैं, लेकिन आप भी यही कहते हैं कि आपको प्रॉपर इख्तियारात नहीं मिल रहे, फंड्स का इस्तेमाल शायद डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर उन फंड्स का क्या होता है?
बस जी जो फंड चेयरमैन साहब के हैं वो चेयरमैन साहब के हैं, बाकी मेरी तो सुपरविजन की है, मैं तो बैठा सुपरविजन करता हूँ, बाकी तो एज सच सारी सिचुएशन जो जिम्मेदारी है वो चेयरमैन साहब की है। लेकिन फिर चेयरमैन साहब तो जेल में है, वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं? एक तफाकन हादसा हो गया था जिसकी वजह से चेयरमैन साहब को सजा मिल रही है, तो अभी देखो अभी पोजीशन क्या बनती है। लेकिन आसिम साहब जो हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साफ पानी की फराहमी यहाँ पर होती है, फिल्ट्रेशन का एक पूरा प्रोसेस है, तो फिर इन मनाजिर में तो हमें मशीनें बंद दिखाई देती हैं, आम आवाम और जानवर एक ही तालाब से गंदा पानी पी रहे हैं और बड़ी शिकायत आ रही है कि अमराज फैल रहे हैं पेट के। जी जी मैं इत्तफाक करता हूँ इस बात से। बाकी रह गई बात फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन जो प्लांट है वो चल रहा था बट अभी लोड शेडिंग की वजह से गालिबन बंद है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोड शेडिंग की वजह से वो प्लांट बंद है, तो ये भी एक खबर आई है कि जो दो CMO हैं आप जो आपसे नीचे काम करते हैं वो भी रिजाइन कर गए और उनका यही शिकायत थी कि महकमा हमें फुल फ्लेज काम करने नहीं देता, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, फंड आते भी हैं तो हमें कुछ इल्म नहीं होता, इस वजह से वो रिजाइन कर गए, खबर सही है? नहीं अभी जो दो CMO थे अपना वो जो है वो तो हो गए हैं, ट्रांसफर हो गए उनके, तो हमने हमारी 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 तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है, आपकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और आप ये ऑनर भी आपने बताया कि जो फंड्स आते हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और सांगड़ के जो लोग हैं वो साफ पानी पी रहे हैं बल्कि गंदा पानी नहीं पी रहे हैं। आज के प्रोग्राम से मदिया मसूद को दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।